आज हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम वैसे तो हम सभी जो भी कंप्यूटर जिन्होंने भी चलाया है या आपने कभी अपना सिस्टम खोल के देखा होगा तो उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव देखी होंगी। सी ड्राइव में कुछ फाइल सेव करते हैं, डी ड्राइव में कुछ फाइल्स सेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये ड्राइव्स क्या हैं, ये ही एक पार्ट है फाइल सिस्टम का, है ना। अ फाइल सिस्टम इज़ अ प्रोसेस दैट मैनेज हाउ एंड वेयर डेटा ऑन अ स्टोरेज डिस्क। टिपिकली अ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। इट इज़ अ लॉजिकल डिस्क कंपोनेंट दैट मैनेज अ डिस्क इंटरनल ऑपरेशंस एज इट रिलेट्स टू अ कंप्यूटर। जब पहले DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था तब हम इस ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे ही काम करते थे। फाइल सिस्टम हमें यह बताता है कि हम अपने डेटा को कैसे, कहाँ, किस तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं। तब हम, जब हमारे पास DBMS सिस्टम नहीं था, तब हम अपने डेटाबेस को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए डिस्क का यूज़ करते थे। आमतौर पर हार्ड डिस्क या ऐसी डिस्क का यूज़ करते थे जिनके ऊपर हम डेटा को व्यवस्थित करके रखते थे। तो फाइल सिस्टम को हम ट्रेडिशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम अपने डेटाबेस को व्यवस्थित रखने के लिए उपयोग किया करते थे। बट फाइल सिस्टम के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण ही आगे चल के ये फाइल सिस्टम धीरे धीरे रिप्लेस होता गया आपका DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। बट फाइल सिस्टम कई चीज़ों में बहुत अच्छा था और अभी भी वही ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमें कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में देखने को मिलता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। जिसका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सिस्टम में जो ड्राइव्स का डिवाइडेशन पार्टीशन होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को भी स्टोर करते हैं और हमारी अदर फाइल्स, अदर डेटाबेस जो हम स्टोर करते हैं अपने ड्राइव्स में, वो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है फाइल सिस्टम का। सी ड्राइव्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप की फाइल्स को फोल्डर्स के अंदर स्टोर करते हैं, वही हमारा फाइल सिस्टम कहलाता है। फाइल सिस्टम के अंदर हम इंडेक्स के तौर पे भी अपना डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। बट फाइल सिस्टम का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक या काम करने का तरीका ये होता था कि वहाँ पे हर एप्लीकेशन प्रोग्राम की एक फ़ाइल बन जाती है। जब भी आप अपना सी ड्राइव खोल के देखेंगे जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल है, हर एक काम की एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल हैं। तो फाइल सिस्टम काम ही इस टेक्निक पे करता है कि हर एप्लीकेशन प्रोग्राम की वो एक फ़ाइल बना देता है और जितने काम हम करते जाते हैं वो उतनी फ़ाइल बनाता जाता है, इसीलिए इसको फाइल सिस्टम बोलते हैं। ये काम ही इस तरीके से करता है कि हम जितने भी काम करेंगे, जितने भी प्रोग्राम्स उसमें बनाएंगे, जितना और डेटा सेव करते जाएंगे, वो हर एक की फ़ाइल बनाता जाएगा। तो ये जो बेसिक एक ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है फाइल सिस्टम का, कि फाइल सिस्टम सबसे पुराना ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम है जिस पे हम डेटाबेस को मैनेज करते थे, सेव करते थे, रखते थे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो फाइल सिस्टम आता है, जो हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में स्टोरेज के लिए ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है, वो हमारा फाइल सिस्टम है। अब कुछ फाइल सिस्टम को वर्क कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। तो फाइल सिस्टम में भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडेक्स फॉर्मेट अभी भी फॉलो किया जाता है, कि वहाँ पे जब भी हम डिस्क ड्राइव पे, ऑप्टिकल ड्राइव्स पे, हार्ड ड्राइव्स पे अपने डेटा को व्यवस्थित करके रखते हैं तो वहाँ पे भी इंडेक्स सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइल सिस्टम हर एक प्रोग्राम की एक फ़ाइल क्रिएट कर देता है और उन फाइल्स को वो इंडेक्सिंग करके सेव करके रखता है। इस तरीके से ये फाइल सिस्टम वर्क करता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी आपको फाइल सिस्टम के, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल हैं फाइल सिस्टम के जो आज भी यूज़ हो रहे हैं। तो उनमें से सबसे पहला है FAT। FAT का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी 1977 में। ये 12 से 16 बिट पर यूज़ की जाती थी।
फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम ये सबसे पुराना फाइल सिस्टम का एग्जांपल है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FAT। आजकल FAT का सबसे लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम XP विस्टा द्वारा यूज़ किया जा रहा है, जो FAT 8, 12, 32 और 16 जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम अभी तक आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है GFS। GFS का पूरा नाम होता है ग्लोबल फाइल सिस्टम। ग्लोबल फाइल सिस्टम भी हमारा फाइल सिस्टम की तरह काम करता है। ये भी हमारी फाइल्स को डायरेक्टरीज के रूप में सेव करके इस पर हम काम करते हैं। इसके बाद हमारा आया था HFS, जिसका पूरा नाम है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। यह भी एक एग्जांपल है फाइल सिस्टम का, जो हायरार्किकल फॉर्म में हमारे फाइल्स को मैनेज करता है, जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है NTFS ऑपरेटिंग सिस्टम। NTFS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम है एंटी फाइल सिस्टम। एंटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये उसी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का फाइल सिस्टम है। एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल सिस्टम को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है UDF। UDF का पूरा नाम है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट ये आपका ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी 1995 में इसको यूज़ किया गया था। इसके बाद इसको कई सारे और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ किया गया। ये सारे फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ किए जाने वाले सिस्टम से ये एग्जांपल्स हैं आपके फाइल सिस्टम के। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइल सिस्टम हैं जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, बट बेसिकली हमें सिर्फ यहाँ पे फाइल सिस्टम की डेफिनेशन और ये ट्रेडिशनली किस तरीके से काम करते थे वो पढ़ना है। हमारी बुक में फ़ाइल सिस्टम की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। आप इसको एग्जांपल के द्वारा भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है कि फाइल सिस्टम और DBMS में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस के साथ साथ एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसको रिप्लेस क्यों किया गया। फाइल सिस्टम की जगह अब DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना पॉपुलर क्यों हुआ, तो इसके डिफरेंस के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।